हाय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक रहेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम बाद मैं अभी व्लॉग बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत ही लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे, कहाँ कैसे क्या जा रहे हम आपको बताएंगे स्टेशन जाके, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है। तो हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। ये हेत्रिक, हेत्रिक से हाय। तो ठीक है, हमारा सामान सब पैक हो गया है। निशांत, निशनॉक्स सब रेडी हो गए हैं, मुझे रेडी होना बाकी है। तो ये देखिए, सब सामान बाहर निकल रहा है। शूज पहनना बाकी है। ये निशांत रेडी हो गया है और हमारा सामान भी रेडी हो गया, बस अभी लिफ्ट में जा रहे हैं। चलो चलो चलो, बेटा। तो अभी हम विराट स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी हमारा बोरीवली ट्रेन आ रहा है। सामान के सहित बच्चे लोग बैठे हैं, बोरीवली जा रहे हैं। बोरीवली से हमारा ट्रेन है, ट्रेन में बैठ गए हैं। बोरीवली आएगा अभी और हेत्रिक सो भी गया है। बोरीवली स्टेशन पहुंच गए हैं, अभी बस ट्रेन आएगा। हमारा 5:30 को ट्रेन है। नक्श हो गया बैठे बैठे, तो अब ट्रेन में बैठ के ही आपसे बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा शोर है, आवाज़ नहीं आएगा। तो ट्रेन में बैठ से आराम से ही बात करती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली ट्रेन आ गया है हमारा मुंबई, हजरत निज़ामुद्दीन ट्रेन आ गया है। और क्योंकि मेरी मम्मी ने पार्सल भेजा है, तो मेरे भाई ने अपने फ्रेंड के साथ भेजा था। हम लोग उतरे थे, अब मैं फिर से सो जाऊंगी। पार्सल सो रहा है क्योंकि उसके मामा ने उसका फेवरेट भेजा हुआ है। अच्छा, उसको भी चाहिए। हेलो, राजधानी एक्सप्रेस 3rd टायर AC में हमने लिया हुआ था। बहुत ठंड था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड था। हमने जैकेट वगैरह सब पहन लिया है। हेत्रिक और पैक होके बैठे हैं और अभी हम लोग जाएंगे सीधा होटल में। वहाँ पे चेक इन मेरा सब बुकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल
10 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, आप सब देख रहे हो इतना मतलब फॉग है, मतलब कैमरे में इतना नहीं दिखेगा लेकिन रियल में बहुत धुमंद है। आ देती हुई देखिए प्लेटफॉर्म, ट्रेन में भी बहुत ठंड लग रहा था और हमारा इंजन से फर्स्ट डब्बा ही था तो आवाज़ भी बहुत आ रहा था। तो निशान चामन के साथ दोनों बच्चे बैठे हैं, पेतवे को भी बहुत ठंड लग रहा है। स्टेशन के बाहर खड़े हैं, ऑटो वाले बहुत प्राइस बोल रहे हैं, हमने गाड़ी बुक की है अभी देखते हैं। एक्चुअली आज रिपब्लिक डे है तो सब बंद भी है रास्ते आधे, तो फिर भी चलो हमारी गाड़ी आ गई है, ठीक है मैं आप जो साइड कलर साइड में आगे आते जाता। तो चलो हम बैठते और फिर सीधा होटल में आपको मिलते हैं। होटल में हमने चेक इन कर लिया है तो मैं आपको रूम टूर करवाने जा रही हूँ होटल किंग इन में। तो ये है हमारा सुपर डिलक्स रूम, तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे ऐसे छोटा सा लॉबी है, वहाँ सामने ही टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ ऐसे। अभी जस्ट हमने चेक इन किया और ये सोफा कम बेड है, ये बेड सामान बस हमने बस जस्ट ऐसे ही अभी रख दिया है, ये कबाड़ दिया हुआ है और यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज गौखला बोलते हैं ना हम कॉर्नर, वो यहाँ पे दो चेयर्स और ये है बालकनी जहाँ पे दोनों मेरे और ये पूरा बड़ा सा बालकनी। मेन रोड व्यू है, तो बस ये है हमारा अभी दो दिन के लिए रूम दिल्ली में। तो चलो अभी थोड़ा फ्रेश, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर बात करती हूँ, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बोला था कि रूम में आके मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या प्लान है, हम दिल्ली क्यों आए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग मुंबई से दिल्ली आए हैं, अभी दिल्ली से हम लोग जाएंगे शिमला कुल्लू मनाली। तो हमारा 5 नाइट 6 डेज का प्लान है, पैकेज पूरा लिया हुआ है, तो इसके लिए हम दिल्ली आ गए। अभी हमारा कल शिमला कुल्लू मनाली का ट्रिप चालू होगा, तो बस यही मुझे बोलना था आपसे कि मैं दिल्ली क्यों आई और दिल्ली आ गई रूम लिया। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, तो फिर चलो अभी हम आपको मार्केट घुमाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए, मैं और निशान दोनों हैं। जो हमारा जो होटल है वो करोल बाग ही है और करोल बाग मार्केट जो है वो हमारे जो होटल है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो अभी हम शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं मार्केट, तो हम आपको मार्केट घुमाते हैं आज। तो यहाँ ऊपर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे ठंडी जबरदस्त है। इसके तो मैंने सब पहना हुआ है पूरा पैक। करोल बाग मेट्रो स्टेशन मैंने आपको जो दिखाया वो ऊपर मेट्रो स्टेशन वो करोल बाग का है, वहाँ पर भी आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको मार्केट में ही मिलती हूँ। इतना ठंड है कि सांस भी चढ़ रहा है थोड़ा चलने के बाद भी। टिकट किधर मिलेगा? करोल बाग का मार्केट, यहाँ पे देखिए 200-200 में छोटे बच्चे का, बड़े का टी शर्ट भी 200-250, अलग अलग सब प्राइस है। और अभी 6:30 ही हुआ है लेकिन अंधेरा देखो धूप की वजह से, अरे सॉरी धूप नहीं ठंडी की वजह से।
और यहाँ पे स्ट्रीट के आजू बाजू भी बहुत नामचीन दुकानें भी है। पीछे भी गया सारा, बहुत सारा वेस्ट साइड गया, नायका गए, देखो वुडलैंड है, यहाँ पे वीआईपी का है शोरूम, तो बहुत बड़े बड़े शोरूम भी है। मैकडोनल्ड्स भी नज़दीक में ही है यहाँ पे, देखो शूज भी 200-200 के मिल जाते हैं। मार्केट में हाथ मत छोड़ देना क्योंकि घूम जाते हैं, जैसे अभी मैं घूम गई थी। छोटे छोटे बच्चे की कैप वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो अभी हम जा रहे वापस होटल में, बच्चे लोग को लेके आते हैं क्योंकि वो लोग के थोड़े कपड़े वगैरह बाकी है लेने के लिए, स्वेटर वगैरह, थर्मल्स, तो हम ले लेते हैं। तो ये दिल्ली की सड़कों में हम चल रहे हैं, बच्चे लोग को लेने जा रहे हैं। हमारे होटल पहुंच गए हैं, होटल किंग्स इन हेडविक और नक्स को बुलाया है। हमारा रूम यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो लाइट चालू है वो है। तो अभी बस वो लोग आ ही रहे हैं, उसके बाद हम वो लोग को लेके जाएंगे मार्केट, तभी मैं आपको पूरा मार्केट दिखाती हूँ। अभी तो हम बस जस्ट निगरानी करके आए कि मार्केट में क्या है क्या नहीं, अब बच्चों को लेके जाएंगे तब आपको भी पूरा मार्केट दिखाएंगे। तो यहाँ पे होटल में भी ऐसा लाइटिंग किया हुआ है, हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम हेलो, हेडविक भी आ गया है, हेडविक हाय। तो अभी हम दोनों को लेके जा रहे हैं मार्केट और आपको भी लेके जा रहे हैं मार्केट। तो चलो करोल बाग के मार्केट घूमते हैं। तो यहाँ से अभी करोल बाग का मार्केट चालू हो रहा है। और नक्स को तो बस मोमोस दिख गया, मोमो डंपलिंग डंपलिंग। तो आप देखते रहो, 100-150-200 में इतने अच्छे कपड़े जैकेट्स मिल रहे हैं, लेकिन हमने मुंबई से ही खरीदी कर लिया था। बस अभी बच्चे लोग का थर्मल लेना बाकी है। तो देखो 200 रुपये जैकेट, 300, ये पूरा मार्केट। का फेवरेट ले लिया है मोमोस, और हेतविक को नींद आ रहा है, हेतविक सो गया। हेतविक ठीक है, तो चलो मोमोस खा लेते। बहुत ही बड़ा मार्केट है, हम लास्ट तो यहाँ से चले गए थे अंदर नक्श और हेतविक को लेने, लेकिन अभी हम जा रहे एकदम लास्ट तक। देखते हैं, ये देखिए 150 में पूरा टॉप्स वगैरह, मतलब पैसा लाओ बस खर्चा करो, यहाँ पे पैसा होना चाहिए, जितना पैसा लाओ उतना कम है। अभी हमने ही देखिए इतना सारा ले लिया, नक्श का जैकेट, हेतविक नक्श का थर्मल, नक्श का ग्लव्स, नक्श ने अभी ग्लव्स पहन भी लिए, नक्श ग्लव्स बताओ। अभी बस यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। टाइम हो गया है 8:30, बैठे खाना खाने के लिए, हेतविक सो गया, नक्श ने मेंदू वड़ा ख़त्म कर दिया और निशान ने मंगाया है पनीर पराठा विद दही और आचार। तो चलो अभी हम लोग खा लेते हैं। तो अभी हम आ गए मार्केट से, और मार्केट से आके मैंने जैकेट वैकेट निकाल लिया क्योंकि बहुत गर्म लग रहा था। रूम में भी आ गया है अपने थर्मल में, हमने ये सब शॉपिंग किया है जो हम पहने के वैसे बताएंगे। और ये हेतविक, हेतविक से हाय, आम जोइन तो बोल। हेतविक का नींद पूरा हो गया है और निशान चला गया है रजाई के अंदर, उसको बहुत ठंड लग रहा है और मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि ये देखो मैंने तो सिर्फ इतना ही पहना हुआ है। हाँ, अंदर थर्मल छुपा के रखा है। तो
ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। कल तो आप मैंने आपको बता दिया पहले कि हम लोग जा रहे हैं शिमला कुल्लू मनाली, तो कल हमारा दिल्ली में सेकंड डे होगा, लेकिन हम यहाँ से चेकआउट करके फिर दिल्ली घूमेंगे, उसके बाद हमारा शाम का बस है, तो फिर हम कल ही अभी आपको व्लॉग दिखाएंगे शिमला जाने के लिए। तो बने रहे मेरे व्लॉग में। ये व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और हाँ जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।